सत्ता के करीब कैसे पहुँचे, सत्ता में कैसे काबिज हों, यही इनका मुख्य रूप से उद्देश्य रहा है। बिहार के विकास से इनका कोई मतलब नहीं रहा, जब उनके हित नहीं सधे तो आज दोनों बिखर गए। बिहार में दो सीटों पर उपचुनाव होंगे और राजद और कांग्रेस में दरारें आ गई हैं उपचुनाव को लेकर के। राजद ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं तो वहीं कांग्रेस ने भी दावा ठोका है कि वो दोनों सीटों पर चुनाव जीतेंगे। इसमें देखिए, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने साफ किया है कि जो चीज़ें हुई हैं वो सबके सामने हैं और एनडीए की घटक दल जनता दल यूनाइटेड भी है और जनता दल यूनाइटेड ही इस दोनों सीट पर चुनाव जीतेगी। विपक्ष की पार्टियां ने पहले ही हार मानी है और इसको लेकर के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। नहीं, ठीक है, देखिए, दोनों जो विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है उसमें महागठबंधन जो एनडीए की जो हमारी बिहार में सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसके सरकार के द्वारा जो अच्छे कार्य लगातार किए गए, आधारभूत संरचनाएं बनी, बिहार के विकास के लिए हम कई कार्यक्रम को सामने ला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महागठबंधन जिस प्रकार से सरकार की आलोचना करता रहा और अपनी एकजुटता दिखाने का जो प्रयास किया है उससे, और आज जो उनकी स्थिति बनी, यह बहुत ही स्पष्ट है कि ये लोग परिवारवाद और सत्ता के पीछे, ये सत्ता के करीब कैसे पहुँचे, सत्ता में कैसे काबिज हों, यही इनका मुख्य रूप से उद्देश्य रहा है। बिहार के विकास से इनका कोई मतलब नहीं रहा, जब उनके हित नहीं सधे तो आज दोनों बिखर गए। तो यह स्पष्ट है कि विपक्ष तो हार मान चुका है, ये बिहार के लोगों को पता है कि महागठबंधन जिस प्रकार से महागठबंधन के दोनों घटक दल ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए तो उससे स्पष्ट है कि महागठबंधन ने अपनी हार कबूल कर ली है और हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए जिस प्रकार से काम किए हैं, जिस प्रकार के कार्य किए हैं श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और स्वाभाविक है ये सारी चीज़ें बिहार के लोग महसूस भी करते हैं। और इस दोनों जो उपचुनाव है, जहां हमारे पूर्व से हमारे गठबंधन के साथी जदयू के उम्मीदवार जीते हैं, ये दुर्भाग्यवश उनके निधन के कारण ये सीटें खाली हुई है, इन दोनों सीटों को पुनः हम भारी मोहब्बत से जीतेंगे। हमारी जो एनडीए की एकता है वह अटूट है, हम सब इस उपचुनाव के माध्यम से बिहार के लोगों के बीच जो हमारी एक विकास की ताकत है, जो काम करने की ताकत है, वो प्रदर्शित हो।